क्या? हालांकि ईवीएम आपके राज में इंट्रोड्यूस हुई 2004 में, सबसे पहले इस्तेमाल हुई, उसके बावजूद अगर आप इस पर विश्वास नहीं दिखाते तो इंतजार कीजिए 17 मई तक। गरिमा जी, ये विश्वास जो है ना मूल रूप से लोकतंत्र का आधार है, और अगर किसी भी चीज को किसी के भी समय में, चाहे कांग्रेस के कार्यकाल के समय में हुआ हो, चाहे भाजपा के कार्यकाल के समय में हुआ हो, अगर उत्तरोत्तर रूप से उसके ऊपर विश्वास कम हुआ है तो उस विश्वास को कायम किए जाने की आवश्यकता है। इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी। आज सत्ता में ये लोग हैं, 2014 से पहले सत्ता में हम लोग थे, तो जो सवाल सत्ता में जब ये लोग हम लोग थे, जो सवाल इनके थे 2009 से लेके 2014 के बीच में, वही सवाल 2014 से 2024 के बीच में हमारे हैं। तो यहीं से हमने तो कभी इलेक्शन कमीशन का पक्ष नहीं लिया। पॉलिटिकल स्मेल आती है कि जब वो सत्ता से बेदखल थे तो वो ईवीएम पर सवाल उठाते थे, आज आप सत्ता से बेदखल हैं, आप उठाते हैं। थोड़ा सा समय दे दीजिए। होता क्या है गरिमा जी, असल बात मुद्दे की बात रह जाती है, हमने अपना क्या प्रारंभिक उद्बोधन दिया है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि भी के शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कहा, सरकार के नहीं, उन्होंने कहा कि साहब हमने चुनाव में जो टेक्नोलॉजी आई तो समस्या हमारी ईवीएम से हमारी नहीं थी, ईवीएम से समस्या थी भाजपा की, हमारी समस्या है ईवीएम एज अ क्या नाम, जो एक यूनिट कंट्रोल यूनिट जिसको कहते हैं, जिसमें तीन चीजें शामिल हैं, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट शामिल है, जिसमें वीवीपैट की प्रिंटिंग मशीन शामिल है, और जिसमें ईवीएम शामिल है। जब ये अकेली होती है ईवीएम तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके साथ एक कंट्रोल यूनिट और प्रिंटिंग होती है तो तब यहां पर व्यवस्था आती है कि कंट्रोल यूनिट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि जब हमने वीवीपैट लगाया, यानी हमने प्रिंटिंग मशीन लगाई कि जिसमें जिसको भी पर्चा हो, चाहे हाथ का पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे साइकिल निशान हो, चाहे और कोई हो, अगर वो है, वो वहां पर छप रहे हैं, तो वो गिने क्यों नहीं जा रहे? हम तो कहते हैं एज ए कंट्रोल यूनिट आपने देख लिया, आप उसको गिनवा लो, बात खत्म हो जाए, फिर तो सभी लोगों को विश्वास आ जाएगा कि हाँ भाई जितने मत पड़े एक यूनिट में, मान लीजिए 1300 मत पड़े, 600 मत कांग्रेस को मिले, 500 मत भाजपा को मिले, 100 मत किसी और को मिले। तो अगर ये है और वो उसी तरीके से, शर्मा वाला सवाल है सुरेंद्र राजपूत कि जब आप कर्नाटक जीतेंगे, तेलंगाना जीतेंगे, हिमाचल जीत जाएंगे, उपचुनाव जीत जाएंगे, तब ये सारा ईवीएम तब मैनिपुलेटेड नहीं रहता, तब कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के जरिए जो गड़बड़ी की आशंका है तब वो आशंका खत्म हो जाती है? गरिमा जी, हम तब भी सवाल उठाते हैं लेकिन हमारे मित्र मीडिया वाले उन सवालों को तवज्जो नहीं देते। हम तो चाहे चुनाव हम जीते, चाहे चुनाव के शर्मा जीते, और भगवान करे कल की डेट में आप चुनाव लड़ो, चाहे चुनाव आप जीतो, वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें हम सवाल उठाएंगे। अब आप इस चीज को देखिए, के शर्मा जी से कुछ सवाल है। मुझे यह बता दें के शर्मा जी, 2014 के बाद कौन से चुनाव आयोग में आपने सुधार कराने के लिए काम किए, जो आप कह रहे थे कि हम उत्तरोत्तर रूप से कर रहे हैं? आपने चुनाव आयोग में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनाव आयुक्त की जो सिलेक्शन है उससे हटा दिया। अगर यह सुधार है तो भगवान बचाए इसे सुधार से। आपने चुनाव आयोग के को शामिल करने के लिए, चुनाव आयोग आयुक्त को वो करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए आपने सरकारी पक्ष की आपने अक्सरियत कर दी, होम मिनिस्टर भी उसमें मिला लिया, एलओपी कोई है नहीं चूंकि आप देना नहीं चाहते, लेकिन सुरेंद्र सुप्रीम कोर्ट को हटा लेकिन दिया। और आप जितनी भी बार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, ये गलत बात है। नहीं नहीं ठीक है, सीसी का मसला आपने उठाया, आपने अरुण गोयल का मसला उठाया, आपने जितने भी मसले उठाए, मैं उस पर काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं। सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं दाखिल हुई इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, इलेक्शन काउंटिंग प्रोसेस को लेकर, वो सारी याचिकाएं खारिज हुई, स्पेशली इन ईवीएम केस? अब
देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आप मैंने कहा कि मैं ईवीएम के प्रोसेस को विश्वास से परिपूर्ण बनाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन देना चाहिए ना। मैं आपसे यह कहता हूं कि इलेक्शन प्रोसेस में जितनी भी याचिकाएं खारिज हुई या याचिकाएं हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन आयुक्त को सेलेक्ट करने के प्रोसेस में उनका एक जज आना था, तो आपने उस चीज को माइनस किया, तो ये आप मुझे बता दीजिए। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो या नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, उसके सेलेक्शन प्रोसेस में आने में दिक्कत क्या है? थोड़ा सा डेविएट हो गए, ये बता दें आप मुझे। थोड़ा सा तो डेविएट हो गए ना। क्यों, मैं कहां डेविएट हूं? क्योंकि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का सवाल नहीं है कि वो कौन सा कॉलेजियम करेगा, कौन सा पैनल करेगा, सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी का मसला नहीं है। मैं तो ये पूछ रही हूं कि वो जो याचिकाएं खारिज हुई, आप ईवीएम को लेकर अपनी आपत्तियों को लेकर एससी के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियां खारिज कर दी। हाँ। आपत्तियां खारिज कर दी गई नहीं, चलिए आपकी बात, अगर आपत्तियां खारिज कर दी गई तो इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन को मनमानी करने का अधिकार मिल जाएगा या हम अपनी बात कहना बंद कर देंगे? हाँ, क्या ये प्रश्न है? गलत है कि 100% वीवीपैट की मशीनें, क्या वीवीपैट जो आपने 5,000 करोड़ रुपए डाल करके उसको एक इलेक्ट्रल यूनिट बनाया है ईवीएम के साथ में मिल करके, तो अगर आपने वो बनाया है तो क्या वो अंडे सेकने के लिए बनाया है या पर्चे गिनने के लिए बनाया?